आज स्वच्छता, पर्यावरण, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन को लेकर नमस्ते भारत का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ इसी विषय को लेकर एक पोस्टर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। लगभग 45 इंटर कॉलेज, महाविद्यालय और छोटे स्कूलों के विद्यार्थियों ने स्वतंत्र रूप से इसमें प्रतिभाग किया। उनकी जो प्रतिभा आज हमें देखने को नजर आई, जो चित्रों के माध्यम से बच्चों ने संदेश दिया कि कैसे कचरा को प्रबंध किया जाए, कैसे पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, कैसे स्वच्छता अपनाई जाए, ये देखने काबिल था। मैं बता दूं आपको, जिला जनकल्याण महासमिति और रानी झांसी फाउंडेशन का हमारा अभियान है संकल्प 365। यहाँ 365 से अभिप्राय हमारा ये है कि 365 दिन रोज काम करते हैं इसके लिए। तो आज जो नमस्ते भारत का आयोजन किया गया, पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, हम लोग स्वच्छता, पर्यावरण और जल, प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने की मुहिम तो काफी समय से चला रही थी, लेकिन अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे निकट भविष्य में एक बड़ी भयावह समस्या हमारे सामने खड़ी होने वाली है, और वो समस्या है कचरे की। कचरे का उत्पादन यदि हम लोगों ने कम नहीं किया तो निश्चित मानिए आप, जिस तरह से देश के कई बड़े शहरों में कचरे के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं, वो पहाड़ हमें भी दिखाई देने लगेंगे। और उसका सबसे अच्छा सब एक कारण है कि हम कचरे का उत्पादन कम से कम करें, और जो कचरा हम उत्पादन भी करते हैं उसको ट्रिपल आर का सिद्धांत हम अपनाएं, कचरे का रिप्रयोग करें, कैसे उसका कम से कम उपयोग हो। जैसे आप देखते होंगे कि झांसी में कोटा केबल लगी है, तो उनमें हम पुरानी किताबें दान दे सकते हैं, पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान हम दान दे सकते हैं, पुराने वस्त्र हम दान दे सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये, जो आज हमने बच्चों को समझाया, करीब 250-300 छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित रहे, उनको हमने ये समझाया कि आप कम कचरा उत्पन्न करें, और जो कचरा उत्पन्न हो रहा उसको भी जो है आप रिसाइकिल, स्वयं रिसाइकिल करने की दिशा में आगे बढ़ाएं।